अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी नाजरीन, आज हम एक नई ट्रेडिशन और सकाफती डिश के साथ हाज़िर हुए हैं। ये आपके सामने बोर्ड चल भी रहा है, आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर गोश्ताबा हाउस। ये एक जम्मू कश्मीर की सकाफती डिश है। ये कैसे बनती है और लोग इसको खाते भी हैं और ये इसको लेके भी जाते हैं। सादा कीमे कैसे इसको तैयार करते हैं, आज हम आपको इसके बारे में दिखाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हम आए हुए हैं। जम्मू कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो गोश्ताबा हाउस है और इसकी सकाफती तौर पे लोग यहाँ पे इसको ख़रीदने भी आते हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। जी नाजरीन, ये देखें, ये इसको इस तरह बनाया जाता है, एक जिस तरह आप कह सकते हैं कि हमारे पंजाब में एक कोफ्ते की शक्ल में बनाया जाता है, इसी तरह ये बनाया जाता है। ये आप देख सकते हैं। फिर इसको इस तरह ये एक बड़े से पतीले में डाला जाता है। अब ये क्या है ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। तो बहुत सारे ऐसे नाजरीन होंगे जो इसके बारे में जानते भी होंगे। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अच्छा ये बताएं, ये आप इसके छोटे छोटे ये जैसे कोफ्ता बनाया जाता है पंजाब में, जी। वैसे इसकी वो बना रहे हैं। ये बताएं इसमें क्या क्या डालते हैं और किस तरह इसको तैयार करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा कंप्लीट हमें ना बताएं। सर ये बनता है बीफ गोश्ताबा। ये कश्मीर की बहुत मशहूर डिश है। ये हम सुबह ये कश्मीरी डिश बहुत स्पेशल डिश है कश्मीर की। ये हम लाते हैं सुबह फर्स्ट टाइम भैंस का गोश्त, उसको इस लकड़ी के थोड़े के साथ कूट के गोश्त को मसल करते हैं और उससे कश्मीरी डिश गोश्ताबा तैयार करते हैं। इसमें मसाले बहुत आला क्वालिटी के बनते हैं। कश्मीर में ये डिश बहुत मशहूर है। शादी ब्याह दीगर तकरीबात के लिए ये डिश बहुत मशहूर है। तो ये कश्मीरी ये होता है ना, असल कश्मीरी गोश्ताबा, उसमें ये साइज़ होते हैं, ये वाला ये साइज़ होता है, ये वाला ये सारी कारीगरी इस चीज़ की होती है। इससे हम गोश्त कूट के तैयार करते हैं ऐसे। अच्छा इसमें ये बताएं कि आप इसमें गोश्त के अलावा क्या क्या ऐसे मसाला जात है वो डालते हैं, वो मुझे बताएं, तफसील से बताएं, ताकि नाजरीन को पता चले कि ये इसमें क्या क्या डालते हैं। गोश्त के अलावा छोटे गोश्त की नॉर्मल चर्बी पड़ती है, तो उसमें मसाला पड़ता है, मोटी इलायची, काली मिर्च, सौंफ, इलायची, तो बादाम, पिस्ता, ये चीज़ें बनती हैं। इनसे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और बहुत बेहतरीन किस्म की ये डिश तैयार होती है। तो अच्छा, जब आप इसको इस तरह इसको रोल कर लेते हैं, आपने बताया है कि ये गोश्ताबा आपको इस तरह हाथ से जब तैयार कर लेते हैं, फिर जब आप ये साथ आपने ये रखा हुआ है, इसको हल्की आंच पे आपने पानी में डालते हैं या इसको घी में डालते हैं? सर इसको हम पानी में उबाल के बॉयल करके अच्छी तरह, ताकि ये अंदर से पक जाए, उबाइल करके अच्छी तरह ठंडा करके फ्रीज़ कर देते हैं। फ्रीज़ करके रेगुलर हम शॉप पे भी सेल करते हैं और उसके अलावा शादी ब्याह दीगर तकरीबात के लिए भी हर जगह, हर मोहल्ले, हर शादी, ख़त्म, दुरूद, हर जगह पे ये डिश तैयार होती है। तो ये बताएं कि अच्छा चले आप इस तरह इसको बना के, इसको इस आपने एक पतीला रखा हुआ है, उसके अंदर पानी में डाल के फिर इसको बॉयल कर लेते हैं, फिर उसको फ्रीज़ कर लेते हैं। ये किस हिसाब से आप इसको सेल करते हैं और कितने, क्या इसकी कोई दर्जन का हिसाब होता है या केजी का हिसाब होता है या किस तरह होता है? सर ये दर्जन का हिसाब भी होता है और केजी का भी। मोस्टली हम यहाँ पे केजी के हिसाब से सेल करते हैं। तो उसमें 1 केजी में 25 पीस होते हैं, वो 500 रुपीज़ किलो होता है, उसमें 25 पीस होते हैं। तो रेगुलर हम ऐसे ही सेल करते हैं। 1 केजी में 25 पीस सेल करते हैं शॉप पे। अच्छा 25 पीस। देखा जाए नाज़रीन, आपने सुना। अब हम इसको, इन्होंने जब ये एक गोश्ताबे को बनाया, बनाने के बाद इसको बॉयल करके इस पतीले में डाला और जब ये फ्रीज़ करते हैं वो भी आपको उसका भी प्रोसेस दिखाते हैं। जी नाजरीन, आपने वो गोश्ताबा देखा वो किस तरह बनता है, और आप ये देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पे पड़ा हुआ ये फ्रीज़ हुआ पड़ा है गोश्ताबा। इसमें देख सकते हैं कि इसको फ्रीज़र में ये साइज़ बड़ा है और इसके साथ ही ये छोटा साइज़ भी है, और ये देख सकते हैं आप ये छोटा साइज़ है, ये पड़े हुए हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मुख्तलिफ इसको पहले वो बनाने का प्रोसेस था और आपको उसके रेसिपीज़ के बारे में भी बताया गया। अब हम हमारे साथ यहाँ पे ऑनर मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे और बात करेंगे। अच्छा ये बताएं कि आप ये गोश्ताबा बनाते हैं, ये कब से इस कश्मीर की सकाफती डिश है और ये कितने अरसे से शुरू हुई हुई है और इसको कैसे कैसे बनाया? बहुत अरसे से शुरू है, तो ये तैयार करते हैं। यखनी भी बनती है, इसकी ग्रेवी भी बनती है, ग्रेवी में भी इसको फ्राई करते हैं, और जो बहुत बेहतरीन लज्जत वाला खाना है। अच्छा ये बताएं कि आप बोल रहे हैं कि ये इसको यखनी में मुख्तलिफ चीज़ों में बनाया जाता है। अच्छा जो इसकी शक्ल है, पंजाब में जो आपने कोफ्ते का नाम सुना है, वो जो कीमे के कोफ्ते बनते हैं उससे ये मिलते जुलते हैं, तो इसको गोश्ताबा क्यों कहते हैं? गोश्ताबा इसलिए कहते हैं कि इसमें बीच मुर्गे का भी गोश्त है, भैंस का भी गोश्त है, ये मिक्स होकर छोटी चर्बी होती है, उसको इसको बनाकर फिर बॉल करके फिर इसको उबाल के फिर लोग जो शादी से ब्याह पर ले जाते हैं, घर में भी ले जाते हैं, और ये इससे ये कूटते हैं, गोश्त को कूट कर फिर ये तैयार करते हैं इसको। तो बस ये बहुत लज्जत वाला होता है, इसको बटा भी जा सकता है, गोल भी हो सकता है। तो ये वैसे मुश्किल तो बहुत है, इतना बड़ी मेहनत तलब काम है ये मेहनत तलब है, ये इसको बहुत काफ़ी टाइम लगता है फिर जाकर ये तैयार होता है। अच्छा मसाले भी पड़ते हैं, हर चीज़ हर मसाला जो है जो हांडी में पड़ता है, सालन में, वो सब इसमें डालते हैं, काली मिर्च जो है और बहुत सी चीज़ें जो है इसमें पड़ती हैं। तो आप ये खसूसी तौर पे इस चैनल में ये आपकी जो गोश्ताबा बे ये जो देखने वाली डिश के हवाले से जो नाज़रीन है उसको क्या मैसेज देंगे और क्या कहेंगे खाने के हवाले से कि अगर वो कश्मीर में आए तो आप? ये होटल में भी तैयार करते हैं, होटल वाले भी ये सेक्रेट में वो पकाते हैं, हर दुनिया जो लोग होते हैं गाँव उनके वो खाते हैं, इसको बहुत अच्छी तरीके से ये देख से ये इसको खाते हैं और बहुत लज्जत लजीज होती है, नरम होती है, इतना गोश्त सख्त नहीं होता, ये बिल्कुल टूट कर बिल्कुल छोटा किया होता है, तो खाने का बहुत लुत्फ होता है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज गोश्ताबा बे के बारे में बताया। कि नाज़रीन आपको उम्मीद करता हूँ कि ये डिश बहुत पसंद आई होगी। हम इन्होंने ये देखें एक फ्रीज़र भी रखा हुआ है, डीप फ्रीज़र, उसमें ये इसको फ्रीज़ किया जाता है। हम आपको दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं ये मुख्तलिफ शॉपर्स में इन्होंने बना के रखे हुए हैं और उसके साथ भी बहुत सारी रेसिपीज़ भी रखी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये था कश्मीरी गोश्ताबा बे। नाजरीन मैं आपसे ये जो जम्मू आज़ाद कश्मीर की जो डिश है गोश्ताबा बे, इससे आज आपने देखी होगी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तो बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट हम अगली स्टोरी के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान। लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ऑन करना ना भूलें। शुक्रिया।